मुझे सुनने और देखने वालों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, फिर मेरे चैनल के होम गार्डनिंग में आप सबको खुश आमदीद। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज मैं आप लोगों के साथ अपना ये नाग चंपा का जो प्लांट है ये शेयर कर रहा हूँ। तो ये एक आउटडोर प्लांट है और काफ़ी हार्डी प्लांट है। एक बार आप इसे अपने गार्डन में ऐड कर ले फिर उसके बाद ये साल और साल ही आपके पास चलता रहता है। आप देख सकते हैं मैंने इसे ज़मीन पर लगाया हुआ है और तकरीबन जो इसकी हाइट अभी हो चुकी है वो 8 फीट हो चुकी है। और जब मैंने इसे लगाया था अपने पास तकरीबन 1 साल से है मेरे पास ये, एक साल तो इसकी हाइट उस वक्त तकरीबन थी 4.5 से 5 फीट। तो 1 साल में तकरीबन 2.5 से 3 फीट इसकी हाइट भरी है और थोड़ा सा ये घना भी हुआ है। अब सर्दियाँ चल रही है तो सर्दियों में जो मैं इसकी केयर कर रहा हूँ वो आप लोग के साथ शेयर करने लगा हूँ। तो अभी हाल ही में मैंने इसमें खाद ऐड की है, काउडंग मैंने ऐड किया है। काउडंग जो है स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र होता है जो अभी मैंने ऐड किया है जनवरी में। तो इसका रिज़ल्ट तकरीबन बाहर का मौसम स्टार्ट होते होते इसका रिज़ल्ट भी आना शुरू हो जाएगा। तो पानी इसको मिलता रहेगा वक्तन फ़क्तन, तो ये खाद जो है मिट्टी में ऐड होती रहेगी और फिर 1 से 1.5 महीने में इसका रिज़ल्ट निकलना शुरू हो जाएगा। बाहर का मौसम, इसका ग्रोइंग पीरियड भी स्टार्ट हो जाएगा, डोरमेंसी पीरियड भी ख़त्म हो जाएगा। तो फिर खाद के असर के साथ साथ ग्रोइंग पीरियड भी स्टार्ट होगा तो इसकी ग्रोथ में और मज़ीद तेज़ी से इजाफा भी होगा और साथ ही साथ ये बहुत सारी फ्लावरिंग भी करेगा क्योंकि इसमें ब्रांचेस भी ज़्यादा है और इसके फ्लावर जो है वो ज़्यादातर टॉप पर आते हैं, मतलब नीचे ग्रीन ही रहते हैं इस तरीके से, और टॉप जो है इसकी वो फ्लावरिंग से तकरीबन भर जाती है तो काफ़ी अच्छा लगता है ये। तो बहुत इजी टू ग्रो है और जिस जगह मैंने इसे अभी प्लेस किया हुआ है यहाँ पर इसको पूरे दिन की जो है वो धूप मिलती है। सुबह से धूप स्टार्ट होती है इस पर तो तकरीबन शाम तक 3-4 बजे तक इसको धूप मिलती रहती है। तो ये एक फ्लावरिंग प्लांट है और फ्लावरिंग प्लांट को जितनी ज़्यादा धूप मिलती है उसमें सीज़न में फ्लावरिंग भी उतनी ही ज़्यादा होती है। अभी सीज़न ऑफ है, डोरमेंसी पीरियड है, उसके बाद भी अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ फ्लावर नज़र आ रहे होंगे। तो ऑफ़ सीज़न में भी फ्लावर है इसमें कुछ टहनियों पर, तो सीज़न में तो आप अंदाज़ा ही लगा लें कि तकरीबन ये पूरा ही फ्लावरिंग से भरा हुआ होगा। तो ज़्यादा दूर नहीं है, अब 2 से 2.5 महीने में इसका सीज़न भी स्टार्ट होगा और फुल फ्लावरिंग से ये भर भी जाएगा। तो जब ये फुल फ्लावरिंग से भर जाएगा तो मैं आप लोगों के साथ दोबारा इसकी वीडियो बनाकर शेयर करूँगा और इसकी खूबसूरती आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, दिखाऊँगा कि कितना ही खूबसूरत है ये नाग चंपा का प्लांट। सर्दियों में जो मैं इसकी खास केयर कर रहा हूँ वो इसकी वाटरिंग ही है। वाटरिंग बहुत ख्याल से रखनी होती है वरना फिर प्लांट जो है उसकी जड़ें गल जाती है अगर ओवर वाटरिंग हो जाए। तो गर्मियों में मैं यहाँ पर डेली बेसिस पर भर भर कर बहुत ज़्यादा पानी दिया करता हूँ। अभी सर्दियाँ हैं तो सर्दियों में मैं एक दिन छोड़कर एक दिन यानी अल्टरनेटिव डेज में इस पर वाटरिंग कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे इस प्लांट के लीव्स येलो भी नहीं हुए, तकरीबन सारे ही लीव्स ग्रीन है। और सर्दियों में अक्सर पेरिनियल प्लांट जो होते हैं उनके लीव्स भी गिर जाते हैं, इसके लीव्स भी नहीं गिरे। तो इसकी वजह यही है कि वाटर पे मैंने कंट्रोल रखा हुआ है। तो बस ये सिंपल सी मैं केयर कर रहा हूँ अपने इस नाग चंपा प्लांट की। तो कैसा लगा मेरा ये नाग चंपा का प्लांट आप लोगों को मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। और मेरी ये शेयरिंग आप लोगों को अच्छी लगी तो इसके लिए मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। चले, अल्लाह हाफिज़।